बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रेसिड्यू पर रिलेटेड है। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ 1+e^z अपॉन sinz+z cosz एट द पोल z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो z इज़ इक्वल टू ज़ीरो पोल पर हमें इस फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पोल फाइंड करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि यहाँ पर जो इस फंक्शन का जो पोल है वो क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम जब ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं, यानी यहाँ पर साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड, जिसको जब ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं तो वहाँ से हमें पोल्स की वैल्यू मिल जाती है। हमें बाकी पोल से मतलब नहीं, जेड इक्वल टू ज़ीरो जहाँ से मिलेगा उससे मतलब है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन जेड का एक्सपेंशन होता है जेड माइनस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस साइन वन टू इन्फिनिटी प्लस जेड इंटू कॉस जेड है, और कॉस जेड की वैल्यू इवन में आती है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होंगे। जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें जैसे कि पहले बताया कि हमें सिर्फ अपने इस जेड इक्वल टू ज़ीरो पोल का ऑर्डर चेक करना है बस, बाकी तो हमें जेड रेसिड्यू का फार्मूला लगा के फाइंड कर लेना है। तो देख रहे हैं कि इस पूरे ब्रैकेट में से जेड बाहर आ जाएगा और जेड यहाँ से भी मिल रहा है बाहर, तो पूरे से हम जेड को बाहर ले लेंगे और ऐसे में हमको ये वैल्यू मिलेगी। उसको लिख ले रहे हैं, जेड को यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में एक बड़ा से ब्रैकेट लगाएं। पहले वाले ब्रैकेट्स में से जो हम जेड को बाहर ले लेंगे, जो साइन का एक्सपेंशन था वहाँ से, तो वन मिलेगा माइनस का जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 होगा प्लस जेड टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 होगा और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। और जेड को यहाँ पर कॉस ये बाहर लिखा हुआ था जेड, इसको बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिख देते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, इन फाइनेट नंबर ऑफ टर्म होंगे, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 1 2 हो जाएगा और जेड की और कोई कॉमन नहीं आएगा, मींस मेरा ये है जेड की पावर यहाँ पर 1 ही रहेगी और हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है। जेड जब हम इन दोनों का इंटू, यानी ये और पूरे ब्रैकेट का इंटू ज़ीरो आ रहा, तो अलग अलग जब इनको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तब हमें जेड की वैल्यू मिलेगी, वो पोल होगी। और चूँकि हमें यहाँ पर जेड की एक ही पावर यहाँ पे मिल रही है, जैसे जेड और कॉमन होता जेड स्क्वायर हो जाता जेड क्यूब, तो वहाँ पर जो पोल होता उसका ऑर्डर, जैसे अगर जेड की पावर 2 होती तो ऑर्डर 2 होता, जेड की पावर 3 होती तो ऑर्डर 3 होता है, या ऐसा कोई फैक्टर होता जेड माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 1 पोल होता उसका ऑर्डर 2 होता। अगर यहाँ पर 3 पावर होती तो ऑर्डर इसका 3 होता, लेकिन यहाँ पर जो कि पावर 1 है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। ऐसे ही पोल को हम लोग इसको कहते हैं सिंपल पोल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 0 इज़ ए सिंपल पोल। जब सिंपल पोल होता है तो यहाँ पर जो रेसिड्यू निकालना है तो रेसिड्यू निकालने का एक फार्मूला होता है जब सिंपल पोल होता है उसके लिए, जैसे कि यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं सिंपल पोल के लिए। दी रेसिड्यू एट दी सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू ए, अगर सिंपल पोल है तो रेसिड्यू इज़ गिवन बाय, तो रेसिड्यू इस फार्मूले से दिया जाता है, ये रेसिड्यू होता है लिमिट जेड टेंस टू ए, ये यानी जो आपको पोल मिला है यहाँ पर अपना ज़ीरो है, और जेड माइनस कर देते हैं ए और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ई फंक्शन है उसको, तो इस लिमिट को सॉल्व करने पर ये हमें रेसिड्यू मिल जाएगा जेड इक्वल टू ए, जो कि एक सिंपल पोल है। इस पर हमारा भाई ये जेड इक्वल टू ज़ीरो सिंपल पोल है, तो इसका रेसिड्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी आर एस रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ज़ीरो, जो कि सिंपल पोल है, तो फार्मूला इसका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो होगी और जेड माइनस ए की जगह पर अपना ज़ीरो है और अपना फंक्शन जो भी होगा वो लिख देंगे पीछे से देख के।
लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, z माइनस ज़ीरो z के इक्वल होगा और एफ जेड की वैल्यू हम लोगों को याद है अभी फंक्शन ये पूरा इसको हम लोग एफ जेड बोला है फंक्शन को, ये वैल्यू है 1+e^z होल अपान में है साइन z प्लस का z इंटू कॉस z, ये वैल्यू दे रखी है। अब इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में से z को यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे, पहले वाले टर्म यानी साइन में तो z नहीं है, तो ये अगर नहीं है तो वो अपान में चला जाएगा, तो अपान में जब आ जाएगा तो साइन z अपान z हो जाएगा और यहाँ पर z है तो बाहर होके सिर्फ बचेगा cos z बचेगा। इस z से इस z को कैंसिल कर देंगे और देखेंगे कि लिमिट हम लोग जानते हैं कि z टेंस टू ज़ीरो साइन z अपान z की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर z बराबर 0 रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ हो सकती थी 0.0, लेकिन हम लोग जानते हैं ये लिमिटिंग तो अब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए हम लिमिट को हटा देंगे और जहाँ पर भी z है वहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करना है, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू जो होती है लिमिट जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 रख देंगे, तो देखने की e के पावर 0 की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है, 1 ये 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 कैंसिल जाएगा 1 टाइम्स, तो इस तरीके से जो हमें रेसिड्यू फाइंड करना था रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 वो 1 के इक्वल आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।